स्टूडेंट वेलकम बैक। टुडे आई टीच ऑल ऑफ यू दैट्स कारक। बच्चों आज मैं आप सभी को कारक का सातवां जो कि पार्ट है, ठीक है, सातवां भेद है, आज मैं उसके बारे में आप लोगों को पढ़ाने जा रहा हूँ। यदि बच्चों आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो आप इसे ज़्यादा से ज़्यादा लाइक सब्सक्राइब शेयर जरूर करिएगा। और इसके पहले का जो वीडियो था कारक की परिभाषा एवं उसके भेद, उसको मैंने फर्स्ट पार्ट में बनाया है और तीसरे भेद से लेकर के छठवें भेद तक का दूसरे पार्ट में है और ये थर्ड पार्ट है जिसमें आपको सेवन और एट कारक के बारे में पढ़ाएंगे। आइए पहला बेटा सातवां है अधिकरण कारक, ठीक है, इस वीडियो का पहला है और ओवरऑल सातवां है। अधिकरण का अर्थ होता है आश्रय। आश्रय का मतलब क्या होता है, किसी पर निर्भर होना, ठीक है। संज्ञा का वह रूप जिससे क्रिया के आधार का बोध हो उसे अधिकरण कारक कहते हैं। जैसा कि आप देखें अधिकरण कारक इसका अर्थ होता है आश्रय, मतलब आप किसी दूसरे पे आश्रित होते निर्भर होते हैं वो क्या कहलाता है, अधिकरण कारक, ठीक है। इसके विभक्ति चिन्ह में और पर होता है, इसका जो विभक्ति चिन्ह क्या होता है, में और पर होता है, ठीक है। आप किसी के अंदर होंगे वहां पे भी आपका होगा अधिकरण कारक, किसी चीज के ऊपर होंगे तो भी क्या होगा वहां पे आपका अधिकरण कारक, ठीक है। जैसे भीतर अंदर ऊपर या बीच, किसी के बीच में रहेंगे, किसी के ऊपर रहेंगे, किसी के अंदर रहेंगे, किसी के भीतर रहेंगे, ये क्या कहलाएगा आपका अधिकरण कारक होगा, है ना। उदाहरण फ्रिज पे दूध रखा है, अब दूध कहाँ पे है, फ्रिज में है, ठीक, अंदर हो गया यहाँ पे, कहाँ पे क्या हो गया यहाँ पे अंदर, ठीक है। और दूसरा है पहाड़ों पर बर्फ पड़ता है, बर्फ कहाँ पड़ता है, पर मतलब पहाड़ों के ऊपर पड़ता है ना, इसमें बीच का शब्द आ गया, इसमें क्या है पर, पहाड़ों पर मतलब उसके ऊपर पड़ता है, ठीक। आठवां बेटा संबोधन कारक, आठवां क्या है संबोधन कारक, संज्ञा या सर्वनाम का वह रूप जिससे किसी के बुलाने, इससे किसी के बुलाने पुकारने या बोलने का बोध होता है तो उसे संबंध कारक कहते हैं या कहलाता है। संबंध कारक क्या होता है, संज्ञा या सर्वनाम का वह रूप जिससे आप किसी को बुलाते हैं पुकारते हैं और या तो किसी से बात करते हैं, उसका जब पता चलता है तो हम लोग क्या कहते हैं कि ये क्या है आपका संबंध, सॉरी संबोधन कारक है, ठीक है। इसका जो चिन्ह होता है संबोधन कारक की पहचान करने के लिए ये विरोधाभास एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस का जो चिन्ह होता है ये आपका चिन्ह लगा होता है। चिन्ह कैसा होता है, एक खड़ी फाइल उसके नीचे एक छोटा सा बिंदु होता है, यदि ये चिन्ह लगा है तो आप क्या कहेंगे ये संबोधन कारक है, ठीक है। दूसरा है संबोधन कारक का विभक्ति चिन्ह अरे हे अजी, मतलब इसका जो विभक्ति चिन्ह होता है अरे होता है, हे होता है और अजी होता है, ठीक है। उदाहरण हे राम बहुत बुरा हुआ लॉकडाउन लग गया, ठीक है, वास्तव में लॉकडाउन लगा तो काफी लोगों का नुकसानी हुई है ना, तो यहाँ पे क्या है हे राम, यहाँ पे लगा है आपका ये संबोधन का चिन्ह, ठीक है। अरे बच्चों, यहाँ पे लग गया आपका संबोधन का चिन्ह, शोर मत करो, ठीक है। तीसरा उदाहरण है अरे यह इतनी बड़ी हो गई, मतलब संबोधन का चिन्ह आप लोग जानते हैं कहाँ पे लगता है यह चिन्ह, जब हम कोई आश्चर्यजनक चीजों को व्यक्त करते हैं तो वहां पे क्या होता है हम यूज करते हैं संबोधन का। ये था बेटा कारक का थर्ड पार्ट, जो कि इसके पहले मैंने आप लोगों को दो वीडियो कारक का, पहले में क्या था कारक की परिभाषा और उसके भेद तथा उसके दो कारक के भेद की परिभाषा और वो दूसरा वीडियो था उसमें तीन तीसरे भेद से लेकर के छठवें भेद तक था, उसके उदाहरण और उसके कारक चिन्ह। ये आपका चौथा तीसरा वीडियो जिसमें सातवां कारक से लेकर के आठवें कारक तक का है,